नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, 1 अप्रैल को मैंने एक खबर लगाई थी, वगराल पाड़ा में अवैध खनन के चलते एक की मौत होने की। वो खबर कुछ ऐसा है, उस खबर में कुछ अपडेट नहीं सामने आई है। वो जो खबर ऐसा मैंने दिखाया था कि अवैध खनन की वजह से एक की मौत हुई, तो तब उस समय परिस्थिति वैसी थी और ऐसी परिस्थिति सामने आई थी जिससे यह बात निकल कर आई कि इस तरह से कुछ हुआ होगा। लेकिन कोई भी मामला जब हम खबर बनाते हैं या कोई भी पत्रकार रिपोर्टिंग करता है या खुद पुलिस घटनास्थल का मुआयना करती है, तब प्राइमरी चीज है वो उनको फोकस करके उस पर रिपोर्टिंग होती है। लेकिन बाद में जब मामले से खुलासा सामने आता है तब वस्तुस्थिति सामने आती है। तो इस मामले में आज अपडेट मैं आपको दे रहा हूं, वो अपडेट काफी अहम है और मामले में नया खुलासा सामने आया है। दरअसल वो पहाड़ से गिरने के कारण मौत का मामला नहीं था, वो थी एक स्पष्ट हत्या। और उस हत्या में और कोई नहीं, जो मृतक है सुनील दुबे, सुनील मुन्ना दुबे, उसकी पत्नी मुन्नी देवी खुद शामिल है। ऐसी जानकारी अब आधिकारिक तौर पर सामने आई है। दरअसल उस दिन जब ये मौत की घटना हुई, पुलिस को इत्तला किया गया, पुलिस आई, पुलिस ने मामले की छानबीन की और जब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा गया, उसके बाद पोस्टमार्टम में जब यह बात खुली कि मौत गला दबाने से हुई है, रस्सी से गला दबाने, तब पुलिस ने उस हत्या के एंगल पर जांच शुरू की और हत्या के एंगल पर जांच शुरू करते करते पुलिस ने यह मामले का खुलासा किया। तो ये कहानी कुछ ऐसी है कि मुन्नी देवी जो इस सुनील दुबे की पत्नी है, 24 वर्षीय, वो मुन्नी देवी, सुनील दुबे और उनका एक 4 साल का लड़का है, तीनों राजौली में वगरपाड़ा में रहते हैं। इनके ही पड़ोस में एक संजय कुमार प्रसाद भी रहता है। मुन्नी देवी का संजय कुमार प्रसाद के साथ में अनैतिक संबंध था। प्रेम प्रसंग होने की वजह से मुन्नी देवी और ये संजय कुमार प्रसाद, इन्होंने दोनों ने एक षड्यंत्र रचते हुए सुनील दुबे को रस्ते से हटाने की साजिश रची और पिछले गुरुवार को आरोपी संजय कुमार प्रसाद पहले सुनील दुबे को पहाड़ी पर ले गया, वहां उसके साथ नशा किया और नशे की हालत में उसने उसको वहां से पहाड़ी से नीचे गिरा दिया। बाद में खुद नीचे उतर के देखा उसने और उसको लगा कि मृतक अभी भी जिंदा है, तब उसने मृतक के गले में रस्सी का फंदा डालकर मृतक का गला दबा दिया और उसकी मौत हो गई। और बाद में इस मामले को कुछ इस तरह से फैलाया गया कि नशे की हालत में पहाड़ी से गिरने से उसकी मौत हुई। अपराधी अपराध करके झूठ मूठ का ढोंग करके झूठ मूठ की कहानी बनाकर कुछ समय के लिए बच सकता है, लेकिन कहते हैं कि कानून का हाथ लंबे होते हैं और कानून है वो हर चीज की तह तक पहुंच जाता है। तो पुलिस ने जब मामले की छानबीन शुरू की और पुलिस ने पोस्टमार्टम किया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कंफर्म हुआ कि मृतक की मौत गला दबाने से हुई, तब पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए उसकी पत्नी से पूछताछ की। पत्नी ने पूरा खुलासा किया, फिर पत्नी के ही बताने पर संजय कुमार प्रसाद को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया और इस तरह से पूरे मामले से पर्दा उठा। जो मामला दुर्घटनावश मौत का बताया जा रहा था वह हत्या का मामला साबित हुआ। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की कस्टडी में हैं, पुलिस के आगे की जांच शुरू है। इस मामले पर वसई के एसीपी चंद्रकांत यादव ने भी अपने कुछ बयान मीडिया में जारी किया है। देखिए आपका कुछ कहना है चंद्रकांत यादव का। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। शिशिर के अंदर वागराल पाड़ा, यहाँ पे 30 तारीख को घटना हुई है, 30 मार्च को
जिसमें मयत सुनील कुमार दुबे है, उसकी पत्नी ने और उसका पत्नी का प्रियकर जो संजय कुमार प्रसाद चंद्रेश्वर प्रसाद है, इन्होंने मिलके उनके पर्सनल प्रेम संबंध के हिसाब से वो मयत जो है सुनील कुमार दुबे उसको गले में रस्सी से फांसी, मतलब गला फांसी दे के उसको ऊपर से पहाड़ी से नीचे ढकल दिया है। इसमें उसको हेड इंजरी और स्ट्रैंगुलेशन होने के कारण वहां पे पोस्टमार्टम में ये घटना सामने आई और पुलिस ने इसमें इंक्वायरी करने के बाद वो आरोपी जो है और उसकी जो पत्नी है मयत की, उन्होंने दोनों ने भी ये कबूल किया है कि हमने प्रेम संबंध में उसको गला रस्सी से बांध के उसको मारा और पहाड़ी से नीचे फेंका है। तो इसके बारे में वालियो पुलिस स्टेशन में मर्डर का गुनाह दाखिल हुआ है, ये दोनों आरोपी को अरेस्ट कर दिया है और ये केस में वालियो पुलिस स्टेशन के जो प्रभारी अधिकारी है कैलाश बर्वे, उनके क्राइम इंस्पेक्टर राहुल कुमार पाटिल और डिटेक्शन स्टाफ और जो है ऑफिसर उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और इन्होंने वो आरोपी पहले ना ही बोल रहे थे हमने किया नहीं ये बारे में, लेकिन उन्होंने डीप में इंक्वायरी करने के बाद ये कबूल कर दिया है। कितने लोग अरेस्ट है सर इसमें अभी तक? दो लोग, उसकी पत्नी मयत की पत्नी जो है मुन्नी देवी और आरोपी जो मेन आरोपी है संजय कुमार चंद्रेश्वर प्रसाद, इन दोनों को अरेस्ट किया हुआ है और आज कोर्ट में रिमांड के लिए पेशी कर रहे हैं। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786